हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजो क्लास इस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैप्सूल प्रोजेस्टेरोन के बारे में, यानी ये जो कैप्सूल होता है वो क्या होता है। और दोस्तों, साथ साथ बात करेंगे हम इसकी फॉर्म की, यानी जो कैप्सूल होता है वो आपको किस किस फॉर्म में मिल जाता है, यानी जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो आपको कितनी फॉर्म में मिल जाता है। और साथ साथ बात करेंगे इसके यूज़ की, यानी जो कैप्सूल होता है प्रोजेस्टेरोन का, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इसका यूज जो किया जाता है महिलाओं में किन किन कंडीशन में यूज किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके ब्रांड नेम की। जब आप बाजार में मार्केट में इसे खरीदने के लिए जाते हैं तो अपने कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। और साथ साथ बात करेंगे हम इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो कैप्सूल होता है इसके कुछ साइड इफेक्ट भी पाए जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे हम इसकी वार्निंग्स की, यानी इस कैप्सूल को खाते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी YouTube वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस कैप्सूल के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे YouTube वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस कैप्सूल के बारे में, यानी ये जो कैप्सूल होता है इसे आप माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो होता है फीमेल हार्मोन होता है, जो क्या करता है एग फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है, साथ ही साथ क्या करता है पीरियड की रेगुलरिटी को बनाने का काम भी करता है। और जब ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है हार्मोन, जब फीमेल की बॉडी में नहीं बनता है तो इसे बाहर से दिया जाता है। इसकी जो फॉर्म पाई जाती हैं कुछ ऐसे पाए जाते हैं, जैसे क्या हो सकती हैं, ये आपको टैबलेट फॉर्म में मिल सकता है, या आपको क्रीम फॉर्म में भी मिल जाता है, और ये आपको इंजेक्शन फॉर्म में मिल जाता है, और कैप्सूल फॉर्म में भी मिल जाता है। दोस्तों, अगर इसके ब्रांड नेम की बात करी जाए, यानी जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो किस किस ब्रांड नेम से जब आप बाजार में मार्केट में खरीदने जाते हैं तो किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे क्या हो सकते हैं, एंडोजेस्ट के नाम से मिल सकता है, या फिर ल्यूपीजेस्ट के नाम से मिल सकता है, या फिर प्रोफाइन एसआर के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाता है। पर दोस्तों, ये डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस की, यानी जो कैप्सूल होता है प्रोजेस्टेरोन, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। यानी इस कैप्सूल का यूज जो किया जाता है उन महिलाओं में यूज किया जाता है जिन महिलाओं के पीरियड के रहते हैं इरेगुलर रहते हैं, या फिर इसका यूज जो किया जाता है पीरियड को रेगुलरिटी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इस कैप्सूल का जो यूज जो किया जाता है उन महिलाओं में यूज किया जाता है जिनके मासिक धर्म में क्या होती है, दिक्कत होती है, या फिर उनकी जो मेनोपॉज जो होती है अभी तक नहीं आई है, या फिर उनके पीरियड किसी कारण से रुक गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ने जो यूज किया जाता है इसका फीमेल की इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग जो किया जाता है प्रेगनेंसी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी प्रेगनेंसी को मजबूत करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, ने जो यूज किया जाता है इसका वहाँ पर यूज किया जाता है जब प्रीमेच्योर लेबर हो जाता है, या फिर जब कोई बच्चा है जो जन्म से पहले उसका जन्म होना होता है, उसे रोकने के लिए या फिर उसे ठीक करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, ने जो यूज किया जाता है इसका जब ओवेरी में कैंसर हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोज की, यानी जो कैप्सूल होता है वो किस डोज में लेना होता है। यानी अगर इसकी कॉमन डोज की बात करी जाए, यानी इसे दिन में एक बार लिया जाता है और 10 से 12 दिन तक लिया जाता है, और इसे डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। अगर इसकी वेजनल टैबलेट ली जाती है तो वो भी दिन में एक बार ली जाती है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वार्निंग्स की, यानी जो कैप्सूल होता है इसे खाते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। यदि आप प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो इसे आप बिना डॉक्टर की सलाह के इसे प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर इसे खाने से आप कभी पास्ट में एलर्जिक रहे हो तो भी इस टैबलेट का वहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर आप इसे खाते समय ना तो हैवी मशीन पे वर्क करना चाहिए या फिर हैवी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो कैप्सूल होता है इसके कुछ साइड इफेक्ट भी पाए जाते हैं, जैसे क्या हो सकता है हेडेक हो सकता है, या फिर इससे क्या हो सकता है ब्रेस्ट पेन हो सकता है, या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं। दोस्तों अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पे कोई नजर आता है तो आप इस मेडिसिन के लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से बताएं, जिससे वो आगे नया फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सकें। दोस्तों, ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।